देखो बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन रीड करो जरा, क्या कहता है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। देखो क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप, बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, ये ट्रांसमिशन टावर कहाँ पर है, फिक्स्ड एट ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है ये, इसके यहाँ पर एक ट्रांसमिशन टावर है, क्या है, ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, और ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है भाई। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टावर है, ये टावर है, बिल्डिंग हो गई ए बी, बिल्डिंग क्या है बच्चों, ए बी, ये सी पॉइंट है ग्राउंड पे। इस पॉइंट से अगर आप ये ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखते हैं, दिस पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है, 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 45 डिग्री। और अगर सी सेम पॉइंट से आप इस टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री। सभी बच्चों को कल मैंने बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखो बच्चों, ग्राउंड पे अगर हम यहाँ ग्राउंड पे हॉरिजेंटल पे खड़े होके ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है नीचे ए बी, ठीक है, और हम ऊपर इस लाइन के अलोंग देख रहे हैं ए सी के अलोंग, ठीक है बच्चों। तो हॉरिजेंटल ग्राउंड के साथ जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर ग्राउंड पे खड़े होकर इस आदमी ने ऊपर की तरफ देखा है एक बार, तो ये ट्रांसमिशन टावर कौन सा है, बी डी, बी डी, बी डी के क्या देखा है, किसको देखा है, बॉटम को, और एक बार इसके टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के लिए टॉप और बॉटम के 60 एंड 45 गिवन है। क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, देखो जरा, प्रूव क्या करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। ये टावर की हाइट होगी मान लो क्या है, H, टावर की हाइट है बच्चों H, ये फाइंड करनी है। देखो जरा बच्चों, एक बात बताओ, नहीं, टावर बिल्डिंग के ऊपर है, इन ट्राइंगल, अगर मैंने कल बताया था अगर एक से ज्यादा ट्राइंगल है और आप कुछ भी यूज कर रहे हो तो ट्राइंगल का नाम लिखा दो, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के अंदर, देखो जरा, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, देखो जरा, दिस इज ए बी, ए सॉरी, चलो कोई बात नहीं, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, बताओ क्या बनेगा, बताओ बच्चों, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, बेस, क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, थीटा कितना है, 45 डिग्री, ठीक है, ए बी की वैल्यू बताओ 20, साथ साथ लिखो, ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, 1, वेरी गुड, बताओ फिर ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी की वैल्यू आ गई 20 मीटर, ठीक है। आप देखो जरा क्या करें बच्चों, अब दूसरी बड़ी ट्राइंगल को देखो, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी सी में, वेरी गुड, चलो बताओ, ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी क्या बनेगा, 1060 बनेगा, 1060 बनेगा, ठीक है। सो ए डी क्या है, ए डी नहीं है हमारे पास, ए सी कितना है, ए सी हमने अभी भी फाइंड किया 20, और 1060 कितना होता है बच्चों, रूट 3, तो यहाँ से ए डी की वैल्यू आ गई कितनी, 20 रूट 3, वेरी गुड, क्या बात है जी, आपको बड़ा ही टकाटक जवाब दिया जा रहा है भाई,
√3 एडी, एडी को उधर लेके गए। अब देखो बच्चों एडी को क्या लिख सकते हो आप, एडी को आप लिख सकते हो, बताओ एडी को यहां से देख के बताओ क्या लिख सकते हो एडी को, ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू 20√3। चलो भाई ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू दिस, बताओ ए बी की वैल्यू है हमारे पास 20, बी डी की वैल्यू क्या है, टावर की हाइट एच 20√h कितना आएगा बताओ जरा, 20√3 माइनस 20। सो बच्चों कितना आ गया, 20 कॉमन ले लें √3 माइनस। अरे वाह, ऐसे आंसर देने चाहिए टकाटक, ठीक है, लिखा नहीं उससे पहले आंसर। चलो बच्चों आगे चलो, समझ आया सभी को, कुछ पूछना है तो बताओ। देखो बच्चों 8th क्वेश्चन, ये कहते हैं कि स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, स्टैच्यू कितने मीटर टॉल है बच्चों, 1.6 मीटर टॉल है ये स्टैच्यू, ठीक है, स्टैंड्स ऑन ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। कितना बड़ा है भैया, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, ये तो हो गया पेडेस्टल, ये पेडेस्टल की हाइट होगी, ठीक है बच्चों, और ये क्या है स्टैच्यू, समझ रहे बच्चों, और ये हो गया हॉरिजेंटल लेवल। अब ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से हम इसको चेक करते हैं, तो ये जो एंगल ऑफ पेडेस्टल का जो टॉप है, पेडेस्टल कौन सा हो गया ए बी, सी पॉइंट से हम देख रहे हैं, सी पॉइंट से पेडेस्टल का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 45, ये एंगल 45 है, 45 डिग्री। एंड बच्चों अगर इसके टॉप को देखते हैं तो कितना है टॉप ऑफ द स्टैच्यू, ये बी डी स्टैच्यू है, तो स्टैच्यू के टॉप को देखते हैं तो ये कितना है 60 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है। अब एक बात बताओ, हाइट ऑफ द पेडेस्टल बिल्कुल वही पिछली बार के पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में बच्चों बी डी फाइंड करना था, और इस बार क्या फाइंड करना है आपको, इस बार ए बी फाइंड करना है, क्वेश्चन वही है बिल्कुल, ठीक है, करेंगे भी वैसे ही बिल्कुल, कोई चेंज नहीं है। सो पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं, कुछ दिया है हमें, स्टैच्यू की हाइट है, स्टैच्यू की हाइट है बी डी दी हुई है, बी डी कितनी दी हुई है 1.6 मीटर, ठीक है बच्चों, और इसकी हाइट को हम मान लेते हैं h, पेडेस्टल की हाइट को कितनी मान लेते हैं h, ठीक है, तो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल, ए डी ए ए डी सी, ए डी सी इन ट्राइंगल, ए डी सी इन ट्राइंगल, ए डी सी ए डी ए डी अपॉन ए सी, बताओ टेंजेंट 60 डिग्री होना चाहिए, ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1060 बच्चों, अच्छा ए सी है क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है बच्चों, तो पहले छोटा ही है, लिसन कोई बात, कोई बात, हैव सम पेशेंस। देखो बच्चों ए डी की वैल्यू बताओ, ए डी की वैल्यू बताओ 1.6 प्लस एच, और ए सी की वैल्यू बताओ ए सी, तो ए सी को राइट में मल्टीप्लाई कर दूं, ए सी और 1060 कितना होता है बच्चों 3, ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से बताना जरा, 1.6 प्लस एच अपॉन √3, बस इतना ही दिखना है इसको, ठीक है, ऐसे ही रख देना है। एंड बच्चों यहाँ पे किसी को डाउट है तो बोलो, या छोटे ट्राइंगल पे आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो जरा बच्चों ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, बताओ बच्चों क्या होगा टेंजेंट
45, किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है टेंजेंट 45 क्यों, देखो जरा फिर बोलो कहां से एडी, देखो एडी कितना है, एडी क्या है, दिस इज एच और दिस इज 1.6, तो एच प्लस ये पूरा क्या कंप्लीट क्या हो गया, एच प्लस 1.6, तो एडी के जगह एडी यहां से यहां तक है, एडी के जगह क्या रख दिया 1.6 प्लस एच, एसी को राइट में मल्टीप्लाई कर दिया था और 1060 की वैल्यू रूट थ्री होती है वो लिख दी थी, फिर रूट थ्री को नहीं इधर नीचे लिख दिया। अच्छा बच्चों यहां से देखना जरा, हमें ए बी फाइंड करना है ना, ए बी इज इक्वल टू बच्चों ए सी राइट में चला जाएगा और टेंजेंट 45 होता है 1, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई बताना जरा, 16 प्लस एच। वैसे आपने ए बी को एच लिया हुआ है तो चाहो तो यहाँ एच ही लिख लो, लिख सकते हैं ना ए बी के जगह एच, ए सी बोलो जरा 16 प्लस एच, ए सी कितना बच्चों 1.6 प्लस एच अपॉन रूट थ्री, यही आएगा, ए सी की वैल्यू रख दी। अब रूट थ्री को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, रूट थ्री एच इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, रूट थ्री को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट थ्री की वैल्यू सॉरी ये आ गया, एच को लेफ्ट में ले आओ बच्चों, रूट थ्री एच माइनस एच इज इक्वल टू 1.6, एच को कॉमन लो, रूट थ्री माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 और एच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री प्लस 1 क्या आएगा, एच इज इक्वल टू बोलो रूट थ्री प्लस 1 अपॉन बोलो बच्चों 3 माइनस 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 इंटू रूट थ्री प्लस 1 मीटर, समझ रहे हैं, किसी को डाउट तो नहीं इसमें, किसी स्टेप में है तो बताओ। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ ए टावर। देखो बच्चों ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये एक क्या है टावर है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग को हम मान लेते हैं ए बी, बिल्डिंग को क्या ज़ूम कर लेते हैं ए बी, और टावर को क्या ज़ूम कर लेते हैं सी डी, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर ये है बच्चों सी, ये टावर ये सी है, ये टावर का फुट कहाँ पर होगा सी पे, यहां से बिल्डिंग के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है वो बताना जरा 30, ये एंगल ऑफ एलिवेशन फुट टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 दिया हुआ है, ठीक है। एंड फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, देखो बच्चों यहां से बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया है 60, कितना है ये 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर, क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। देखो बच्चों सबसे पहले देखो एक ट्रायंगल में हमें एक साइड दी हुई है तो हम उसी को यूज करते हैं, ठीक है ना, एक ट्रायंगल में एक साइड दी हुई है तो इन ट्रायंगल एबीसी एबी एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी, ट्रायंगल एसीडी में, इन ट्रायंगल एसीडी,
ट्रायंगल एसीडी में मुझे ये बताओ, एसी अपॉन या डीसी अपॉन एसी अगर हम लिखें तो क्या बनेगा? डीसी अपॉन एसी, डीसी अपॉन एसी टेंजेंट 60, 60 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ए पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो टेंजेंट 60 बनेगा। डीसी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 50। एसी राइट में चला गया और टेंजेंट 60 की वैल्यू डाल दी रूट 3। तो यहां से एसी कितना आ गया बच्चों? एसी इज इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3 मीटर। किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। आगे अब क्या करना है बच्चों? दूसरी ट्रायंगल ले लो, एसी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? एबीसी, एबीसी आपको फाइंड क्या करना है? एबी, और एसी आपको मिल चुका है। तो एबी अपॉन एसी, बच्चों रूल जो मैंने बताया था, एक उसको जो फाइंड करना है, एक उसको जो इवन है इन्वॉल्व कर लेना है। एबी अपॉन एसी बताओ कितना आया? एबी अपॉन एसी, ए बी कितना है नहीं पता, दिस इज 10:30 बनेगा। ए बी बताओ फाइंड करना है। ए सी कितना है? ए सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 50 अपॉन रूट 3, और 10:30 कितना आएगा? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ऐसे कैसे आगे 10:31/√3 होता है। 10:30 कितना होता है? 1/√3, इसलिए गलत होगा। मैं कहता हूँ जब भी कोई चैप्टर समझ आए, ए बी इज इक्वल टू दिस, समझ आया आपको? ए बी की वैल्यू यही फाइंड करना था बच्चों में, मीटर लगा दो फिर इसका। नहीं नहीं जरूरत नहीं, करना चाहते तो कर दो। 16 पॉइंट कितना बचेगा? 16.66 मीटर, 16.67 मीटर कर दो, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 11। टेन तो अभी किया ना बेटा, 9 किया है। अरे हम तो बड़े पीछे हैं, कुछ जल्दी करो। देखो बच्चों 9th क्वेश्चन में, टेंथ क्वेश्चन, ये कहता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 80 मीटर वाइड। बच्चों ये रोड हमारा कितना है? 80 मीटर वाइड है। कितना है ये? 80 मीटर, 80 मीटर यहाँ से, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, 80 मीटर है। दोनों साइड पे दो ट्री हैं, ठीक है, पोल हैं, सॉरी, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों साइड की ये हाइट क्या है इनकी? इक्वल है। दोनों साइड पे जो पोल है उनकी हाइट क्या है? इक्वल है, ठीक है। पोल थोड़ा टेढ़ा हो गया। चलो आ जाऊं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द पॉइंट बिटवीन देम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल आर 30 एंड 60। बच्चों बीच में किसी पॉइंट से, जैसे कि यहां से अगर दोनों टावर्स के टॉप को देखते हो, आप दोनों पोल्स के टॉप को देखते हो, यहां से ऐसे और ऐसे, तो एक साइड का एंगल 30 डिग्री है, एक साइड का एंगल क्या है? 60 डिग्री है। जो छोटे वाला है स्मॉलर एंगल है दैट इज 30 डिग्री, और जो लार्जर एंगल है दैट इज 60 डिग्री। अभी बच्चों ये नहीं पता कि ये पॉइंट बीच में कितने डिस्टेंस पे है कहाँ से, तो एक पोल को ए बी अज्यूम कर लेते हैं, दूसरे पोल को डी ई अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। हमें बस ये पता है कि नीचे का जो डिस्टेंस है वो 80 है, तो हम दोनों ट्रायंगल्स को यूज करते हैं, नीचे का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और उसको 80 डिग्री रख देते हैं, सिंपल सा फंडा, ठीक है बच्चों। एक तो तरीका ये है, एक तरीका तो ये है कि हम दोनों ट्रायंगल से
नीचे का डिस्टेंस फाइंड करें, उनको ऐड करें और उसको 80 के इक्वल रख दें। दूसरा तरीका ये है बच्चों, हम दोनों साइड के टावर्स की हाइट निकालें और वो हाइट हमें पता है, वो हाइट हमें पता बराबर है, तो दोनों की हाइट को इक्वल रख दें। ठीक है, फाइंड करना हमें कि ये जो सी पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है, ए से कितने डिस्टेंस पे है या बी से सी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है। तो बच्चों एक पार्ट को तो एक्स अज्यूम कर लेते हैं, इधर वाला पार्ट हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर। ये सबको समझ आया एक्स और 80 माइनस एक्स मीटर क्या है? हाँ भाई सानी समझ आया। इन ट्राइंगल ए बी सी, सभी बच्चे मुझे ए बी फाइंड करके दिखाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी सभी बच्चे मुझे ए बी फाइंड करके दिखाएंगे। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बताओ कितना है? कितना है? 1060। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू, ए सी को राइट में मल्टीप्लाई कर दो, और ए सी को हमने एक्स अज्यूम किया हुआ है। क्या अज्यूम किया हुआ है? एक्स, एक्स रूट थ्री आ गया मीटर। ए बी की वैल्यू आ गई बच्चों एक्स रूट थ्री। आप दूसरी ट्राइंगल यूज करेंगे, इन ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी ई बताओ जरा क्या करें? डी ई अपॉन सी डी बताओ बच्चों, 10 30, 10 30 बच्चों है ना, सिंपल चैप्टर। डी ई बताओ, डी ई, डी ई कितना है बच्चों? इज इक्वल टू सी डी को राइट में लेके जाओ और सी डी की वैल्यू क्या है? 80 माइनस एक्स इंटू 10 30 1/√3। बच्चों यहां से हमारे पास दोनों टावर्स की, दोनों पोल्स की हाइट आ गई, पर दोनों पोल तो इक्वल है, सो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू D, क्यों? हाइट ऑफ पोल्स आर इक्वल, हाइट ऑफ पोल्स आर इक्वल, पोल्स की हाइट कैसी है? इक्वल है। ठीक है बच्चों, अच्छा पोल्स की हाइट अगर इक्वल है बच्चों तो ये बताओ, AB हमने निकाला है ना एक्स रूट थ्री, डी कितना है बच्चों? 80 माइनस एक्स 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3, एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो 3x 4x x की वैल्यू 20 आ गई। फाइंड क्या करना था हमें? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल। देखो बच्चों x आ गया हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द पोल तो गिवन था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो एक डिस्टेंस तो बच्चों कितना आ गया? 20 आ गया हमारा x, और दूसरा हो जाएगा ये 20 मीटर हो गया, ये 60 मीटर हो जाएगा, तो लिख देंगे हम, बताओ क्या क्या है? ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर और सी डी इज इक्वल टू 60 मीटर। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, वो यहाँ से फाइंड हो जाएगी। देखो बच्चों ए बी हाइट है टावर की, ए बी इज इक्वल टू हाइट, ए बी इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री, एक्स मतलब 20√3 मीटर, करेक्ट। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? 10th 11th। मेरी काउंटिंग कैसे गड़बड़ चल रही है? ये कहता है टीवी टावर स्टैंड्स ऑन, मैं क्वेश्चन बताओ जरा मुझे क्या था, कौन सा क्वेश्चन है ये? 11th। क्या क्वेश्चन है? टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, देखो बच्चों ये क्या है?
टावर की हाइट है, ये टावर है, ये हो गया टावर। और टावर की हाइट गिवन है क्या हमें, है तो सही 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। टावर गिवन है हमें ए बी, ए टीवी टावर वर्टिकली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल, ए ए बी, ठीक है, ओके। अच्छा यहां से ये बीच में कैनाल हो गई, ठीक है, और दूसरे एंड पे किसी पॉइंट, दूसरे एंड के किसी पॉइंट से अगर इसके टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, दिस इज सी पॉइंट। और इस पॉइंट से थोड़ा सा और आगे, इस पॉइंट से थोड़ा सा और आगे इस पॉइंट से थोड़ा सा और आगे एक दूसरा पॉइंट है, कितना आगे, 20 मीटर, 20 मीटर। यहां से अगर टॉप को फिर से देखते हैं, टावर के टॉप को, भाई आवाज नहीं आए, टावर के टॉप को देखते हैं तो ये एंगल कितना है, चुप रहो सभी, आवाज मत करो, तो एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। बताओ किसको कंफ्यूजन है, ठीक है। और ये बीच का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये आपको 20 मीटर दिया हुआ है, डी ए भी उल्टा लिख दिया, देखो जरा ए नीचे है, इतना डेट क्यों बताते हो, जब मैंने पूछा नीचे तो जल्दी से बोल दो, तुम्हें दिखाई दे रहा है मैं लिखने लग रहा हूं, है भाई बहुत स्लो हो। चलो क्या फाइंड करना हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल क्या है बच्चों, बीसी, एक तो आपको बीसी फाइंड करना है और आपको एक ए बी फाइंड करना है, कैसे करोगे, कौन बता सकता है, क्या कोई बच्चा बता सकता है, देखो बच्चों ये 20 मीटर है ना और ए बी हमें नहीं पता, तो हम दोनों ट्राइंगल को यूज करके ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, पहले मुझे एक ट्राइंगल में बताओ, ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं इसको एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना है, एक्स, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो मुझे ये बताओ ए बी अपॉन बी सी क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी क्या होगा, टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेन सिक्सटी, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एक्स इंटू, सॉरी बी सी लिखेंगे ना पहले, तो बी सी इंटू टेन सिक्सटी होगी या नहीं होगी, ठीक है। अच्छा बी सी कितना लिया हुआ है, एक्स, एक्स टेन सिक्सटी क्या है, रूट थ्री, तो रूट थ्री एक्स लिख दें इसको, रूट थ्री एक्स मीटर, ठीक है। चलो जरा आगे, अब क्या करना है बच्चों, अब बड़ी ट्राइंगल लेके हम फिर से ए बी फाइंड करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी बताओ जरा, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 10 30, वेरी गुड 10 30। सो ए बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, बी डी को राइट में ले जाएं, बी डी इंटू 10 30, बी डी इंटू 10 30, सो ए बी इज इक्वल टू, व्हाट इज बी डी, 20 प्लस एक्स, 10 30 1/√3, 10 30 इज 1/√3। BD की वैल्यू लिख दी अपने पास, 20 प्लस एक्स, नथिंग एल्स। अच्छा AB, AB और कौन, अच्छा सॉरी AB हमने दो जगह से फाइंड कर लिया, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, AB हमने दो जगह से फाइंड किया है बच्चों, तो दोनों इक्वल होने चाहिए फिर, कर दो इक्वल, दिस इंप्लाइज रूट थ्री एक्स
इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स इंटू 1 बाय रूट 3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 थ्री एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, 3x माइनस x कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 20 और x क्या आ जाएगा बच्चों 10 क्या मीटर, चलो x को कहाँ 10 मीटर लिख दो, तो कैनाल की जो विड्थ है वो 10 मीटर आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना था, ए बी फाइंड करना था, हाइट ऑफ द टावर, ए बी क्या है देखो रूट 3x पीछे दिया हुआ है ना, रूट 3x ये रहा, सो रूट 3 इंटू 10 दैट इज 10 रूट 3, 10 रूट 3 मीटर, तो ये हाइट ऑफ द टावर आ गई, करेक्ट। चले आगे, देखो बच्चों जरा कौन सा क्वेश्चन है आपका, कहाँ का कहाँ तक हो गया बेटा, करना है ओके। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। बच्चों एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, क्या है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, ये हो गई 7 मीटर हाई बिल्डिंग आपकी, कितनी है ये 7 मीटर ए बी। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर, इसके साइड में एक केबल टावर है, साइड में क्या है केबल टावर है, ये हो गया आपका केबल टावर, ठीक है बच्चों केबल टावर हो गया सी डी। अच्छा इस बिल्डिंग के टॉप से जो 7 मीटर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60। बिल्डिंग के टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, अच्छा बच्चों एंगल तो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, करेक्ट, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो पहले यहां हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ठीक है, उसके बाद ये जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया हुआ है 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। एंड बच्चों ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑफ द फुट ऑफ फुट इज 45 डिग्री। अगर इसी पॉइंट से टावर के नीचे की तरफ देखते हैं, क्या कहां पर देखते हैं, टावर के फुट को देखते हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अच्छा डिप्रेशन ऊपर की साइड से बनता है बच्चों, ये 45 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन सबको पता है ना ऊपर की तरफ से बनता है, तो ये एंगल 45 बनेंगे दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ ही। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करना, कैसे करो देखो बच्चों, एक बार ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, बच्चे एक बात बताओ, ये भी हॉरिजॉन्टल और ये भी हॉरिजॉन्टल, ये लाइन क्या हो गई ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल और ये वाले ये एंगल क्या बनेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों पैरेलल होते हैं और दोनों हॉरिजॉन्टल है तो दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे, पैरेलल है पैरेलल लाइन हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल अगर 45 है तो ये भी क्या होगा 45 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 होगा, ओके बच्चों। इन ट्राइंगल, हाँ बोलो, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी ए बी सी 740, हाँ उससे भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 90 होगा 45। इन ट्राइंगल ए बी सी बच्चों जरा बताओ, ए सी अपॉन ए बी या ए बी अपॉन ए सी ले लो, कुछ भी करो, ए बी अपॉन ए सी, बताओ ए बी अपॉन ए सी क्या बनेगा,
टेन फोर्टी फाइव, टेन फोर्टी फाइव वन होता है, तो वन डालते ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज इक्वल टू ए सी इंटू वन, और ए बी की वैल्यू हमें पता है, तो ए सी क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू सेवन मीटर। क्या आएगा ए सी, ठीक है, डाउट? अच्छा ये आ गया, चलो बच्चों आगे क्या करें, आप और क्या फाइंड करना हमें बच्चों, ये अगर सेवन आ गया तो ये भी सेवन होगा, इसको क्या नाम दे दे, बीई बीई बीई, देयर फॉर बीई भी क्या होगा, सेवन मीटर होगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इन ट्राइंगल बीई डी, इन ट्राइंगल बीई डी, ट्राइंगल बीई डी में, ट्राइंगल बीई डी में डीई अपॉन बीई, DE अपॉन BE 1060, कितना 1060, बताओ DE, DE इज इक्वल, BE को राइट में मल्टीप्लाई करते हैं और BE की वैल्यू 7 है वो भी लिख देते हैं, और 1060 हो गया रूट 3, ठीक है बच्चों। क्या आया यहां से बताओ जरा, 7 अपॉन रूट 3, ओ सॉरी सॉरी बच्चों सॉरी, रूट थ्री लिखो यहां पर। अच्छा बच्चों हमें टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी थी ना शायद, तो टावर की हाइट क्या है, सी डी, सी डी इज इक्वल टू सी ई, सी ई प्लस डी ई, टावर की हाइट कितनी है देखो जरा, सी प्लस डी, बताओ सी ई क्या है, सी तो ए बी के बराबर है ना, ए बी के बराबर है प्लस में डी ई, ए बी कितना है, देखो ये दोनों साइड तो बच्चों इक्वल होंगे ना, ए बी और सी ई इक्वल होंगे, ठीक है, स्क्वायर बन, मतलब भाई ये हॉरिजॉन्टल है ये हॉरिजॉन्टल है तो ये दोनों हाइट बराबर ही तो होंगी, ठीक है। अच्छा ए बी हमारा कितना है, सेवन सेवन, और डी ई हमने अभी निकाला सेवन रूट थ्री, सेवन को कॉमन ले लें, यहाँ पर क्या बचेगा रूट थ्री, और इधर क्या बचेगा प्लस वन मीटर, टावर की हाइट भी आ गई हमारे पास, इजी, चले आगे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्टीन क्वेश्चन है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर थर्टीन में कह रहे बच्चों, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू सीप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, कितने मीटर का लाइट हाउस है बच्चों, लाइट हाउस की हाइट बताओ 75 मीटर, लाइट हाउस की हाइट बताओ 75 मीटर ए बी, ठीक है बच्चों। अच्छा और यहां पर टॉप पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है ओके, चलो टॉप पे एक ऑब्जर्वर है, वो क्या कर रहा है, फ्रॉम द टॉप 75 मीटर लाइट हाउस के टॉप पे, अच्छा ये दो सी लेवल, सी लेवल से कितना हाई है 75 मीटर, और ये सी में क्या देख रहा है, दो शेप देख रहे हैं, कहां पर है, एक किसी एक पॉइंट पे है, सपोज करो यहां पर है ए पॉइंट पे, और सेकंड किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, अच्छा ए भी हो चुका, हाँ अभी बदल देते हैं, ठीक है बच्चों, सी डी, सी दो शिप हैं और वो सी और डी पे हैं, उनको ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए बच्चों आपको ऊपर हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा, आपको क्या बनाना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए
हॉरिजेंटल बनाना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है ओके बेटा। एंड ये एंगल कितने हैं, ये वाला एंगल कितना है बच्चों? बताओ एंगल कितने हैं, एंगल कितने हैं? 30 एंड 45। एक एंगल 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री एंगल है और ये वाला 30 डिग्री है। देख रहे हैं बड़े वाला जो एंगल है वो। अच्छा बच्चों फिर से वही, अगर ये ऊपर का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है तो ये भी 45 होगा और ये वाला एंगल कितना, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्या ये सबको समझ आया या पूछना है? वही ऑल्टरनेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, ऑल्टरनेट एंगल सारे इक्वल हो जाएंगे और हमारे एंगल आ जाएंगे। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, मतलब हमें सी डी डिस्टेंस फाइंड करना है, करेक्ट? चलो बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, हाँ ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी कितना है, ए बी अपॉन ए सी बताओ? 10:45। क्या है ये? 10:45 और 10:45 क्या होता है? तो ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया, यहाँ से 10:45 की वैल्यू डाल देंगे, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी। कल भी मैंने बताया था कि जब ये 45 डिग्री एंगल हो ना तो ये साइड जितनी है उतनी ये साइड होगी, तो ये साइड भी क्या आएगी? 75 मीटर ए सी। और यहाँ से भी आप देख सकते हो ए सी इज इक्वल टू 75 मीटर। भाई मैं देख रहा हूँ तुम कई जैसे बातें करते हो, ठीक है यू मैं समझो तो सुनाई नहीं दे। ए सी इज इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है क्या करें अब, बड़ा ट्राइंगल ले लो, क्या होगा बड़े ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल, कल मैंने बताया था कि एक से ज्यादा ट्राइंगल्स है तो जब ट्राइंगल यूज करते हो तो ट्राइंगल का नाम लिखना है। इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल? ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल, ए बी डी में देखो जरा, ए बी इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी 10:30। क्या होगा? 10:30 श्योर? ओके ए बी इज इक्वल टू ए डी इंटू 10:30 और 10:30 की वैल्यू डाल दें कितना होता है? 1/√3। और ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू 75 है, ए डी, सो ए डी कितना आ गया बताओ जरा? ए डी की वैल्यू आ गई 75√3 मीटर, ए डी आ गया। ठीक है सी डी निकालना है तो सी डी क्या होगा बच्चों बताना जरा? ए डी माइनस ए सी, सी डी क्या होगा? देखो ट्राइंगल को, ठीक है लिख सकते हैं ना, ए डी माइनस ए सी, ए डी इज व्हाट? ए डी बताओ कितना है? 75√3 माइनस ए सी बताओ? 75 यहां से कॉमन लो, √3 - 1 मीटर, क्या वैल्यू आ गई? √3 - 1 मीटर। समझ आया? यही फाइंड करना था या कुछ और? डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स यही फाइंड करना। ठीक है चलो आओ आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। चलो आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन है? 14th क्वेश्चन देखो जरा। ये कहता है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन
एट ए हाइट ऑफ 82.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। डायग्राम बच्चों आप साइड में देख रहे हो, ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है ना, देखो बच्चों, वन पॉइंट टू मीटर टॉल गर्ल, वन पॉइंट टू मीटर टॉल गर्ल है, क्या कर रही है, एक बैलून को देख रही है, और बैलून किस हाइट पे, तो किस हाइट पे है, अच्छा गर्ल का जो आई लेवल है वो यहां पर होगा, गर्ल का जो आई लेवल है वो यहाँ ए पॉइंट पे होगा, और इसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर, ठीक है, और ये बैलून को देख रही है, बैलून कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है, मतलब कितनी हाइट पे बैलून, ठीक है, लाइक दिस डायग्राम आप वहां पर देख सकते हो। फर्स्ट टाइम वो बैलून को देखती है, अच्छा बैलून की हाइट कितनी दी हुई है, 88.2 मीटर, और ये भी क्या है, 88.2 मीटर, ठीक है, बताओ जरा, फर्स्ट टाइम जब वो बैलून के देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, 60 डिग्री, ठीक है, और दोबारा जब देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, देख रहे हैं सभी, तो बच्चों ये तो हो गया ट्राइंगल एबीसी, और ये हो गया डी और जैसे सी। एक बात बताओ, ग्राउंड लेवल से जो बैलून की हाइट है वो 88.2 है, और इसमें से हमें 1.2 ये भी माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, बैलून की जो टोटल हाइट है वो 88.2 है, तो उसमें से अगर हम ये 1.2 माइनस कर दें तो क्या बचेगा बच्चों, 87, ये जो हाइट बचेगी यहां से यहां तक कितनी बचेगी, 87 मीटर, क्यों, क्योंकि बैलून की जो टोटल हाइट है वो 88.2 मीटर है, लेकिन गर्ल का जो आई लेवल है वो भी 1.2 मीटर का है, तो गर्ल के आई लेवल से अगर हम देखेंगे तो वो 87 मीटर हाइट बचेगी, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट 87 मीटर, ठीक है बच्चों, अब देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अगर इस ट्रायंगल में हम देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बी सी इन ट्रायंगल, कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, बताओ बच्चों जरा, बी सी अपॉन ए सी, बताओ क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी में बी सी अपॉन ए सी क्या होगा, टेन सिक्सटी, बी सी अपॉन ए सी 1060, तो बी सी क्या हुआ, ए सी है क्या हमारे पास, यस नहीं, बी सी है हमारे पास, तो BC कितना हो गया बच्चों, 87 इज इक्वल टू AC और 1060, तो AC की वैल्यू क्या आ गई, 87 अपॉन, क्या सभी को समझ आया, ठीक है, देखो तो बच्चों जितना BC होगा उतना ही DE होगा, BC इज इक्वल टू DE, सो DE की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा वो तो पहले से ही है, रुक जाओ, वो तो पहले से ही हमारे पास, उसमें क्या नहीं था, ठीक है, थोड़ी सी देर बाद जब वो देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहता है, 30 डिग्री, तो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, AED में, बताओ बच्चों AE क्या लें, DE अपॉन AE, बताओ 1030, और क्या होती है 1030 की वैल्यू,
और डी की वैल्यू क्या है? 87 इज इक्वल टू ए 10:30. 10:30 इज व्हाट? 1/4. सो ए की वैल्यू क्या आई? 87√3 है ना. √3 meter. बच्चों हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल. इतने टाइम में बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बताओ बेटे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. पहले बैलून यहां पर था, इस हाइट पे. यहां बैलून ने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कौन सा? बीडी. बीडी और बीडी किसके बराबर होगा बच्चों? सी के इक्वल. बीडी किसके बराबर होगा? सी के इक्वल. तो हमें सी फाइंड करना है ना. हमें एक्चुअली तो बी डी फाइंड करना है. पहले तो सी फाइंड करो. सी इज इक्वल टू बताओ ए माइनस ए सी. बताओ यही कहा है? ए फाइंड किया है क्या आपने? ये रहा 87√3 माइनस. बताओ ए सी कहाँ पर है? 87/√3. देखो बच्चों एलसीएम ले लो, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 87 × 3 − 87 क्या बचेगा बच्चों? 2 × 87 बचेगा. 2 × 87 बचेगा बच्चों. अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, रुको, लिसन. नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो. देखो बच्चों, अगर इसको रैशनलाइज कर दूं तो क्या आएगा? 87√3 − 87√3/3. दिस इज 87√3. इसको इससे काट दो, 29 कट कर दो. 29 बताओ, 58√3 आना चाहिए मेरे ख्याल से. चेक करो, बच्चों कितना आया? मीटर. तो बीडी भी कितना होगा? 58√3 meter. और बीडी डिस्टेंस ही बैलून ने ट्रेवल किया है. एक क्वेश्चन और, दो ही बचे हैं. चलो बच्चों आगे आओ. 16 एक बुक में 16 है, एक में नई पुरानी बुक में 16 है, नई में 15 है. ठीक है, फिफ्टींथ क्वेश्चन देखो. जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, डोंट वेस्ट टाइम. क्या गिवन है बच्चों? ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर. एक स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर. मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 degrees अप्रोचिंग हिम. ठीक है, अप्रोचिंग टू द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन सॉरी ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 degrees. देखो बच्चों, ये मैन कहाँ पर खड़ा हुआ है? मैन खड़ा है टावर की हाइट के ऊपर, टावर के टॉप पे. टावर के मैन कहाँ पर खड़ा है? टावर के टॉप पे, यहाँ पर बी पॉइंट पे. और एक यहाँ पर क्या क्या है? एक स्ट्रेट हाईवे है. एक स्ट्रेट हाईवे है. हाईवे पर वो एक कार को देख रहा है. क्या कर रहा है? एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है. और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ठीक है दिया, यहां पर बनेगा हॉरिजेंटल. ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन बताओ कितना है? 30 डिग्री. तो ये भी क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 होगा. उसके कुछ टाइम बाद, 6 सेकंड बाद, वो दोबारा से देखता है कार को. और कार कहां पर आ जाती है? किसी अदर पॉइंट पे. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बचता है? क्या बंद हो गया क्या? कितना बचता है? 60 डिग्री. तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री. ठीक है, तो ट्राइंगल होगी हमारी ABCD. और ये जो CD डिस्टेंस है, कितने टाइम में ट्रैवल किया कार ने? 6 सेकंड. ठीक है बच्चों,
फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। तो कहता है कि ये डिस्टेंस जो सीडी डिस्टेंस है कार ने 6 सेकंड में कवर किया है, तो कार फुट ऑफ टावर तक कितनी देर में पहुंच जाएगी। तो वो डिस्टेंस में रिलेशन होगा तभी हम टाइम का रिलेशन निकाल पाएंगे। चलो फिर टावर की हाइट देखो कितनी है क्या? नहीं नहीं देना टावर की हाइट, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, अगर हम ट्रायंगल एबीसी को यूज करते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी अपॉन ए सी मुझे बताएं कितना होगा, बताओ बच्चों जरा कितना होगा? 10/60 लिखा हो, 10/60 ए बी अपॉन ए सी कितना होगा बच्चों? 10/60। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? ए सी को ना एक्स अज्यूम कर लेते हैं, ए सी को कितना अज्यूम कर लेते हैं? एक्स, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू एक्स, सॉरी ए सी इज इक्वल टू एक्स। तो ये आएगा ए सी इंटू 10/60 इज रूट थ्री, सो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? रूट थ्री एक्स आ गया, ये रूट थ्री एक्स, दिस इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स। समझ आया? मीटर वगैरह जो भी है। अच्छा बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में बताओ जरा, ट्राइंगल ए बी डी में बोलो ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी किसके इक्वल होगा? 10/30 ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए डी को वाई मान लेता हूं, ए डी को क्या मान लेता हूं? वाई इंटू 10/30, 10/30 बताओ ए डी पूरा है क्या? तो वो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स प्लस वाई, ए डी पूरा है तो ए डी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और 10/30 कितना होता है बच्चों? रूट थ्री, बना फॉर्म रूट थ्री। ऑल राइट, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब मुझे एक बात का हिसाब दो, आधा घंटा कहाँ गया? हम तो आज तो पीछे रुके भी नहीं ज्यादा कुछ, चलो 5-10 मिनट का हम मान लेते हैं, पर ये आधा घंटा गायब हो गया। एक सेकंड गया था, पानी का गिलास लिया था, रख के आ गया। नहीं नहीं अच्छा खासा, चलो 2-3 मिनट में आधा घंटा भी नहीं गया था। इसका फोन चुरा लिया था, बुक चुरा ली, फिर मान्य की बातें कर रहे थे, ये सब मिला गया। आपकी रिकॉर्डिंग कर लेते नहीं, आधा घंटा तो नहीं रुके हम, हमने लेट स्टार्ट किया, इसका मतलब ये लेट आया, सब लोग लेट आए थे, नहीं ये लोग आए थे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर, मैं भी घर से 5:30 निकली थी तो मैं ही लेट आऊंगी 1-2 मिनट, और ये सब लोग सर ऐसे करते करते, और आज वो लोग भी जल्दी गए थे, तो वो लोग जा रहे थे तभी तुम आ गए थे, तो ये 8 मिनट लेट था, मैंने देखा था, तेरी वजह से लेट रिकॉर्डिंग करा हुई है। ये तो पढ़ भी नहीं रहा, इधर पढ़ भी नहीं रहा, वो है ना जो लड़की 1.8 मीटर, मैंने उसको लेबल कर रखा है लविंग मेमोरी ऑफ मदर।